श्री होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नवरात्रि पूजन विधि एवं शुभ मुहूर्त। इस बार नवरात्रि 6 अप्रैल 2019 से शुरू हो रहे हैं, जो कि 14 अप्रैल तक चलेंगे। कहीं जगह लोग 13 अप्रैल तक भी रामनवमी मनाएंगे और 13 अप्रैल को ही अपना उपवास खोलेंगे। नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार बताया गया है। इस नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करी जाती है। इस पूजा अर्चना के दौरान लोग 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं, जिसमें वह ये जो भोजन होता है वह ग्रहण नहीं करते एवं फल या फिर जो सेंधा नमक और कूटू का आटा होता है वही खाते हैं। नवरात्रि के पहले 9 दिनों के व्रत और उपवास का सबसे पहले आप संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल एवं सुपारी और सिक्का रखें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए बुलाएं। ऐसा ना हो सके तो अपनी कामना पूर्ति के लिए मन ही मन में आप लोग संकल्प लें और माँ दुर्गा के चरणों में वह जो चावल आपने अपने हाथ में लिए हैं उन्हें अर्पित कर दें। रामनवमी का अभिजीत मुहूर्त जो है वह सुबह 11:56 से 12:47 तक रहेगा। इन 9 दिनों के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों को जानने की है वह यह है कि नवरात्रि के पहले दिन आप लोग अपने घर में कलश स्थापना या फिर घट स्थापना करें। घट स्थापना की जो पूजन विधि है वह अलग तरीके से हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। और घट स्थापना जब आप लोग कर लेंगे उसके बाद आप लोग रोज़ाना 9 दिनों तक अपने घर में अग्यारी करें। अग्यारी किस प्रकार होगी यह हम आपको बताते हैं। अग्यारी के लिए आप सबसे पहले गोबर का एक कंडा लीजिए, उसको आप गर्म करिए जब तक कि वो अंगारा ना हो जाए। जैसे ही वह गोबर का कंडा जो आपने लिया है वह गर्म होकर अंगारा बन जाएगा, उस पर आप देसी घी लीजिए और उसमें दो लौंग का जोड़ा देसी घी के साथ चढ़ाएं। और उसके पश्चात आप लोग उस पर काजू, किशमिश, मखाने, रोली एवं चीनी उसमें चढ़ाएँ। इसके बाद आप लोग माता को फल इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप यह भी ध्यान रखिए कि जो आप लोग माता की अग्यारी कर रहे हैं उस दौरान आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग माता को कुछ मीठा भोग अवश्य ही लगाएं। साथ ही इसके बाद जब आप अग्यारी कर लेंगे उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ में आप लोग सिद्धि कुंजिका स्तोत्र जरूर पढ़िए और 1 अध्याय रोज़ाना अवश्य पढ़िए। इसके पश्चात आप लोग माँ दुर्गा की आरती कर सकते हैं और अपनी पूजा पाठ इस प्रकार संपन्न कर सकते हैं। आप लोग 9 दिनों तक व्रत रखिए। 9 दिनों तक आप लोग एकदम जैसे ब्राह्मण अपना जीवन व्यतीत करता है वैसे करिए। कुछ भी तामसिक आप लोग ना खाइए। और आखिरी दिन यानी रामनवमी वाले दिन जो पूजा अर्चना होती है वह अलग प्रकार की होती है। उसके लिए हम आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग कन्या पूजन विधि किस प्रकार कर सकते हैं। तो यह बहुत सरल पूजा विधि है नवरात्रों के दौरान जो लोग अपने घर में आप लोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल श्री होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।